आया। अच्छा और भी बोलो, फायदा और बोलो, कौन सी है? दो दिन से जो है वो स्कूल्स फील्ड में विजिट कर रहे हैं, तो आपकी इस विजिट का मोटिव मिशन क्या है? हमारा डाइट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुंछ से हैं हम लोग। हमारा एक मिशन रहता है कि टीचर्स को, डिफरेंट स्कूलों के टीचर्स को हम डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, ताकि उनको NEP 2020 के तहत अपडेट किया जाए। नेक्स्ट हमारा मिशन रहता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट फील्ड में हो रहा है, क्या उनका जो बेनिफिट होना चाहिए वो फील्ड में बच्चों तक पहुंच रहा है, उसी की मॉनिटरिंग के लिए हमारा एक मकसद था कि इनको मॉनिटर किया जाए कि इनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है ट्रेनिंग्स का। तो इन ट्रेनिंग्स का इम्पैक्ट देखने के लिए हम डिफरेंट स्कूल्स में विजिट गए, जिसमें कुछ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल्स को भी हमने कवर किया, और ये देखा कि जो, जैसे हमने पिछले दिनों एक टाई बेस्ड पेडागोजी पे ट्रेनिंग करवाई थी, तो स्कूलों में उन लोगों ने उस तरह के सैंपल्स क्रिएट किए हैं और बच्चों को बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे उन चीजों को समझने में। दूसरा, इसके साथ साथ जो हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं साइबर सिक्योरिटी पे है, उसके लिए हमने उन लोगों को मॉनिटर करना था वेदर दे आर डूइंग दीज एक्टिविटीज। दूसरा, हमारे पास चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सिक्योरिटी पे है, वो भी हम लोगों ने फील्ड में देखना है कि कितनी बच्चों को अवेयरनेस किया जा रहा है। तीसरा, हमारे पास एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने उनका MDF चेक किया कि किस तरह से वो खाना बनाने के बाद उनको सर्व किया जाता है और क्वालिटी क्या है खाने की, जहां हमने एक दो जगह टेस्ट भी किया, क्वालिटी वॉज वेरी गुड। और फर्दर यही हिदायत दी गई कि हाइजीन जो है वो मेंटेन किया जाए किचन्स का, और बच्चों को खाना बड़ा प्रॉपरली बिठा के खिलाया जा रहा था, जिसके लिए हमें लगता है कि हमारे स्कूल की जो अथॉरिटीज हैं दे आर वेरी मच पर्टिकुलर टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स अप्रोच। और उसके साथ साथ हमने इनका अकेडमिक भी चेक किया है बाय विजिटिंग द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑल द स्कूल्स। ये हमारा एक मिशन है कि ट्रेनिंग के साथ साथ अकेडमिक बच्चों का कैसा है। थैंक यू।